Assalamu alaikum students, I hope you all are doing well. Today we will start the 7th chapter of civics. In the last class, I taught you the first chapter of geography. So today we will start the 7th chapter of civics. So please take out page number 247. So the name of our 7th chapter is advertising. You all know that advertising, आप हमेशा देखते हैं टीवी में बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट वगैरह. सो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि व्हाट इज ऑल अबाउट एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग किस बारे में है. तो एडवर्टाइजिंग एक मार्केटिंग कम्युनिकेशन होता है, कि मार्केट की बात करने का तरीका होता है जिसे वो कस्टमर को कन्विंस करते हैं वो चीज या वो सर्विस खरीदने के लिए. एडवर्टाइजमेंट्स को हम न्यूज़पेपर, मैगजीन, टेलीविजन इस सब में देख सकते हैं. एडवर्टाइजमेंट का मेन मकसद ये होता है कि कम से कम टाइम में अपना मैसेज पहुंचाना, अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में ऑडियंस को बताना. अब आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, कि एडवर्टाइजिंग के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं. मेन पर्पस एडवर्टाइजमेंट का होता है अपने कस्टमर्स का अटेंशन ग्रैब करना, उनको अट्रैक्ट करना अपने प्रोडक्ट की तरफ और उन्हें मजबूर करना कि वो प्रोडक्ट खरीदे. दूसरा, अपने प्रोडक्ट के बारे में कंज्यूमर को इन्फॉर्मेशन देना. तीसरा, एडवर्टाइजिंग के जरिए अपने प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट करना. चौथा, अपनी एक ब्रांड वैल्यू बनाना अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग के जरिए, क्योंकि अक्सर हम वो ही चीजें लेना पसंद करते हैं जिनके हम एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं. लास्ट, कि एक ऑर्गेनाइजेशन को विजिबली लोगों की आंखों में दिखाना कि हाँ ये ऑर्गेनाइजेशन है जो ये चीज बना रही है. अब आता है टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट. एडवर्टाइजिंग के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन इस चैप्टर में जो हम एडवर्टाइजिंग के दो टाइप्स पढ़ेंगे वो है कमर्शियल एडवर्टाइजिंग और सोशल एडवर्टाइजिंग. सो आवर फर्स्ट वन इज कमर्शियल एडवर्टाइजिंग. कमर्शियल एडवर्टाइजिंग वो होती है जिसका सिर्फ और सिर्फ मेन मकसद होता है कि हमारा कस्टमर उस प्रोडक्ट को या सर्विस को खरीद ले. इसमें हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स को इंक्लूड करते हैं, जस्ट लाइक फोन्स, कार्स, क्लोथ्स, फुटवेयर्स. इन सब के एडवर्टाइजमेंट का मेन मकसद ये होता है कि कोई भी कस्टमर उस प्रोडक्ट को खरीद ले. कमर्शियल एडवर्टाइजिंग जिस ग्रुप ऑफ पीपल के ऊपर टारगेट करता है, मतलब जिसके लिए वो प्रोडक्ट होता है, जिनके लिए उन्होंने प्रोडक्ट बनाया होता है, उन ग्रुप के लोगों को कहते हैं हम टारगेट ऑडियंस या टारगेट पॉपुलेशन. इस कमर्शियल एडवर्टाइजिंग बहुत तरीके से होती है, प्रिंट कर होती है, ऑडियो विजुअल मीडिया होता है, वर्चुअल मीडिया होता है, ये सब कमर्शियल एडवर्टाइजिंग के मीडियम्स हैं. ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज. प्रिंट मीडिया में हमारा क्या आता है, न्यूज़पेपर, मैगजीन, होर्डिंग्स, व्हीकल्स के ऊपर जो साइन होते हैं, बस स्टॉप या हाईवेज इन पर. ऑडियो विजुअल में क्या आ गया, जिसे हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, जैसे जो हम एडवर्टाइजमेंट कहां दिखते हैं, टीवी में, सिनेमा में या रेडियो पे. वेब पॉपअप्स. वेब पॉपअप्स क्या होता है, अक्सर आपने देखा होगा कंप्यूटर पे, मोबाइल पे या यूट्यूब पे, जब हम कोई वीडियो वगैरह देख अचानक से कोई एड आ जाता है उसको कहते हैं वेब पॉपअप्स. तो ये सारे हमारे कमर्शियल एडवर्टाइजिंग के मीडियम्स हैं. ओके, नेक्स्ट आता है सोशल एडवर्टाइजमेंट. सोशल एडवर्टाइजिंग किसी न किसी पब्लिक पर्पस के लिए होता है, पब्लिक के मुद्दे के लिए होता है, जिससे पब्लिक का बिहेवियर बदले, सुधरे, जैसे पॉल्यूशन के बारे में, टेररिज्म के बारे में, नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में, पोलियो के बारे में, फीमेल फिटिसाइड, बच्चों के साथ गलत होने पे, ड्रग के बारे में, स्मोकिंग के बारे में. इनका मेन मकसद होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का इस पर असर पड़े, जिन जो लोग इस चीज के बारे में इग्नोरेंट है, नजरअंदाज करते हैं. तो सोशल एडवर्टाइजिंग का मेन मकसद होता है लोगों का अटेंशन इस सामाजिक मुद्दों की तरफ खींचना. ओके, जो हमारा मेन सोशल एडवर्टाइजिंग हमने देखा होगा वो क्या है, पोलियो एरेडिकेशन. अक्सर हमने देखा होगा पोलियो के एड्स टीवी पे आते हैं और उसमें स्लोगन बोला जाता है दो बूंद जिंदगी की. तो ये मेन सोशल एडवर्टाइजमेंट का हमारा मकसद होता है. ठीक है, पोलियो का एड आता है, बहुत सारे ऐसे एड्स आते हैं जिसमें मेन मकसद होता है सिर्फ और सिर्फ सामाजिक मुद्दे को उठाना, जैसे बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, दो बूंद जिंदगी की. ये सारे हमारे सोशल एडवर्टाइजिंग होते हैं जिनका मेन मकसद होता है समाज को बेहतर बनाना. ओके, नेक्स्ट टॉपिक है एडवर्टाइजिंग टेक्निक्स, के एडवर्टाइजिंग में हम कौन कौन सी टेक्निक्स का यूज करते हैं अपने टारगेट ऑडियंस को जीतने के लिए, मतलब उन लोगों को अपना प्रोडक्ट खरीदने पे मजबूर करने के लिए. पहला आता है जिंगल्स एंड स्लोगन, कि ज्यादातर एडवर्टाइजमेंट में ऐसे स्लोगन्स यूज करते हैं जो हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं, बहुत ज्यादा कैची स्लोगन्स यूज करते हैं. ओके, एंड नेक्स्ट एडवर्टाइजिंग टेक्निक है ह्यूमन इमोशन. जैसे वो इस तरीके के एड्स बनाते हैं कि ह्यूमन बीइंग अपने इमोशनली उससे अट्रैक्ट हो जाए, कनेक्ट हो जाए. जैसे गूगल का एक बहुत पुराना एड था कि उसमें एक पोती अपने दादा के ओल्ड फ्रेंड को उनसे मिलाती है जो पाकिस्तान में रहते हैं, गूगल सर्च इंजन से. तो ये गूगल का एड था.
नेक्स्ट आता है ब्रांड एम्बेसडर्स, वो अपने प्रोडक्ट को ऐसे लोगों से एडवर्टाइज कराते हैं, एंडोर्स कराते हैं जो बहुत फेमस होते हैं, लाइक सेलिब्रिटीज, जिनको देख के हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि हमें वो प्रोडक्ट यूज करना है। दूसरा रिपीटेशन, कि वो एडवर्टाइजमेंट इतनी बार दिखाया जाता है टीवी पे कि हमारी मेमोरी में वो फिट हो जाता है। अगला आता है टाइमिंग एंड स्लॉट, एडवर्टाइजमेंट को इतनी जल्दी बनाया जाता है, उस टाइम पे बनाया जाता है जिस वक्त वो एडवर्टाइजमेंट पे वो लोग देख रहे होते हैं। जैसे क्रिकेट के टाइम पे ज्यादातर ऐसे एड्स दिखाते हैं जो मेंस रिलेटेड होते हैं, लाइक बार्स, बाइक्स, कार्स, शेविंग रेजर्स, ऐसे। सर्टिफिकेशन, जो एक्चुअल कस्टमर, डॉक्टर्स या एक्सपर्ट्स होते हैं उस प्रोडक्ट से, उन्हीं लोगों को दिखाया जाता है। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि टूथपेस्ट के जो डेंटिस्ट टूथपेस्ट होता है, उसके टूथपेस्ट के एड्स में अक्सर डेंटिस्ट को दिखाया जाता है, तो हम उस सर्टिफाइड इंसान को दिखाते हैं जो उस प्रोडक्ट के लिए सुइटेबल होता है। ओके, जितनी भी ये सारी टेक्निक्स होती है, इनका मेन एम होता है कि लोगों के दिल में चाहत पैदा करना उस प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, अक्सर एडवर्टाइजिंग फर्म जिसने वो प्रोडक्ट बनाया होता है वो उसकी सैम्पलिंग भी करती है और प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले, और सैम्पलिंग में हमें फ्रीली मिलता है वो प्रोडक्ट। कोई भी कैंपेन फाइनलाइज होने से पहले, मीडिया में रिलीज होने से पहले, एक बार मार्केट उस प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट को फाइनलाइज करती है। बहुत सारे पैसे हमारे एडवर्टाइजमेंट से जनरेट होते हैं, कम से कम पूरी दुनिया में 500 बिलियन का बिजनेस, 500 बिलियन डॉलर्स का बिजनेस एडवर्टाइजमेंट से होता है। अब आती है एडवर्टाइजमेंट की एडवांटेजेस। पहला, एडवर्टाइजमेंट अवेयरनेस क्रिएट करता है लोगों के अंदर उस प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी के बारे में, कि वो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है या नहीं है। दूसरा, ये लोगों के दिमाग में अवेयरनेस पैदा करता है कि एक प्रोडक्ट से क्या क्या क्वालिटीज हमें एक्सपेक्ट करनी चाहिए। तीसरा, ये कुछ सर्टेन गुड्स को बहुत ही सही तरीके से, मतलब जो रेस्टोरेंट शॉप, जिन ग्रुप के लिए वो शॉप प्रोडक्ट होता है, उसकी जरूरत को पूरा करता है। नेक्स्ट, कंज्यूमर्स को चॉइसेस दी जाती है एक ही तरह के प्रोडक्ट की। जैसे आपने बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे एक ही प्रोडक्ट के, लाइक टूथपेस्ट, पेप्सोडेंट, क्लोजअप, कोलगेट, मतलब एक ही चीज के बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स, तो हमें ऑप्शंस मिल जाते हैं। दूसरा, ये यूएसपी क्रिएट करता है। यूएसपी होता है यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन ब्रांड की। यूएसपी एक ऐसा फीचर होता है जो हम उस प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से अलग बनाता है। तीसरा, एडवर्टाइजमेंट कॉम्पिटिशन क्रिएट करता है अलग अलग ब्रांड्स में। दूसरा, ये मार्केट क्रिएट करता है, साथ साथ जॉब्स भी क्रिएट करता है। लेकिन हमारे एडवर्टाइजमेंट के कुछ क्या होते हैं डिसएडवांटेजेस। पहला, कंज्यूमरिज्म, कि ऐसी चीज जब हमें मनी ज्यादा मनी की जरूरत पड़ने की, स्पेंड करने की जरूरत पड़ जाती है बिना एक्चुअल जरूरत के, कि हमने कोई एडवर्टाइजमेंट देखा, हमारा दिल करता है ओह अब ये चीज हमें चाहिए, हालांकि हमें उसकी जरूरत नहीं होती, लेकिन बस हम एडवर्टाइजमेंट देख के इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि हमें वो प्रोडक्ट चाहिए होता है। दूसरा, बहुत सारा अमाउंट, अ ह्यूज अमाउंट इज स्पेंड बाय कंपनीज इन एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट के अंदर कंपनीज बहुत सारा पैसा खर्च करती हैं। थर्ड, एडवर्टाइजमेंट बहुत खर्चीला होता है, बहुत सस्ते में एडवर्टाइजमेंट्स नहीं बनते। चौथा, एडवर्टाइजमेंट एक स्टीरियोटाइप बना देते हैं, एक ऐसी सोच बना देते हैं जो रियल नहीं है। जैसे आप आटे, दाल या इन सब के एड्स देखेंगे, उसमें सिर्फ लेडीज दिखाएंगे, कोई और एड है उसमें मेल्स दिखाएंगे, तो वो ऐसी स्टीरियोटाइप्स को कंटिन्यू रखते हैं जो चीजें अब नहीं होती हैं। ओके, Now we will move on to second page, that is page number 250. दूसरा, advertisement brands को promote करता है। हम लोगों को brands के basis पे use कर judge करने लगते हैं कि अच्छा, अगर ये brand use कर रहा है तो ज्यादा अच्छा है, ये brand कर रहा है तो कम। साथ साथ एक consumer पे बहुत सारा pressure डालता है उस product के advertisement के लिए। जैसे हम दिखाते हैं कि अगर पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए इस रेस्टोरेंट चीजें खरीदते हैं तो उससे प्यार करते हैं, अगर नहीं खरीदते तो वो प्यार नहीं करते। ये सब चीजें हम एडवर्टाइजमेंट से जज करने लगते हैं। अगला आता है मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग। मीडिया एक ऐसी चीज है जो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री से अलग हो जाती है। बहुत सारे एक्सटेंट तक एडवर्टाइजमेंट डिपेंडेंट होता है मीडिया अपने एडवर्टाइजमेंट्स पे अपने खर्चे के लिए। मीडिया के सोर्सेज क्या क्या है? रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, न्यूज़पेपर, मैगजीन, होर्डिंग, पैम्फलेट्स, ये सब। बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट अलग अलग कंज्यूमर्स को टारगेट करते हैं, तो उनको एक सही मीडियम चूज करना पड़ता है अपने प्रोडक्ट के एडवर्टाइजिंग के लिए। फॉर एग्जाम्पल, रेडियो पे एडवर्टाइजमेंट ऐसी जगह तक पहुंच जाता है जहां पे टीवी या वर्चुअल चीजें अवेलेबल नहीं है। मीडिया एथिक्स के एडवर्टाइजमेंट, एथिक्स की तमीज बनाने में भी हेल्प करता है। अगर एडवर्टाइजमेंट के किसी कंटेंट का असर सोसाइटी पे गलत पड़ता है तो जो मीडिया हाउस है उसको पब्लिश करने से बिल्कुल मना कर देता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितनी भी गवर्नमेंट एनजीओज जो काम करते हैं इंसानों के हक के लिए, लाइक जागो ग्राहक जागो, कंज्यूमर अवेयरनेस स्कीम, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लागू किया था, तो इसका मेन एम होता है लोगों के
इंटरेस्ट को सेफ रखना। ये स्कीम मल्टीमीडिया पब्लिसिटी के लिए करे जाते हैं कैंपेन्स लाइक जागो ग्राहक जागो। इंडियन गवर्नमेंट ने ये स्कीम निकाली थी, एडवर्टाइजमेंट निकाला ताकि जितने भी ग्राहक हैं वो उस चीज के बारे में रहें कि उन्हें चीज कैसे खरीदनी है कैसे नहीं खरीदनी है। एडवर्टाइजर जो एडवर्टाइजमेंट दे रहा होता है उसकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पहला, वो कोई झूठी बात अपने एडवर्टाइजमेंट में नहीं कह सकते ना लोगों को मिसलीड कर सकते हैं। वो दूसरा आता है, वो इंडिया की यूनिटी इंडिया की एकता को चैलेंज नहीं कर सकते। चौथा, वो उसमें कोई गैर कानूनी या हिंसाजनक चीज को नहीं दिखा सकते। फोर्थ, वो किसी भी कास्ट रिलीजन जेंडर या देश के लोगों को हर्ट नहीं कर सकते। फिफ्थ, उनको हिस्ट्री कल्चर और मॉरल वैल्यूज की हमारे देश को सपोर्ट करना ही करना है ताकि वो सस्टेन रहे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर 7th चैप्टर। नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, सो प्लीज कम ऑन टू पेज नंबर 251। टिक द करेक्ट के फर्स्ट में आएगा एडवर्टाइजमेंट, सेकंड में आएगा, सॉरी फर्स्ट है कम्युनिकेशन टू पर्सुएड अ कंज्यूमर टू बाय अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड। जिस तरीके से हम कंज्यूमर को पर्सुएड करते हैं, मजबूर करते हैं हमारा प्रोडक्ट खरीदने के लिए, किस जरिए? एडवर्टाइजमेंट। यूएसपी इन एडवर्टाइजिंग मीन्स, एडवर्टाइजिंग में यूएसपी का मतलब क्या होता है? यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट शो अ डिसएडवांटेज ऑफ एडवर्टाइजमेंट। इनमें से कौन सी चीज एडवर्टाइजिंग की डिसएडवांटेज दिखा रही है? नन ऑफ दीज। प्रिंट एडवर्टाइजमेंट को हम कहां किस में देख सकते हैं? न्यूज़पेपर, मैगजीन, पैम्फलेट या ऑल ऑफ दीज? इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज। ओके, फिल द ब्लैंक्स के फर्स्ट में आएगा कंज्यूमर, CONSUMER, कंज्यूमर। सेकंड में आएगा ब्रांड, BRAND, ब्रांड। थर्ड में आएगा मीडिया, MEDIA, मीडिया। फोर्थ में आएगा कंज्यूमरिज्म, CONSUMERISM, कंज्यूमरिज्म। फिफ्थ में आएगा एम्बेसडर, AMBASSADOR, एम्बेसडर। ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स के फर्स्ट में आएगा फॉल्स, सेकंड में ट्रू, थर्ड में ट्रू, फोर्थ में फॉल्स और फिफ्थ में ट्रू। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज नंबर 252। सो हमारा फर्स्ट है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। पहला है प्रिंट मीडिया, सेकंड ब्रांड, थर्ड सोशल एडवर्टाइजमेंट और फिफ्थ है कमर्शियल एडवर्टाइजिंग। प्रिंट मीडिया को मार्क करने के लिए आइए पेज नंबर 248 पे और ब्रांड 247, सोशल एडवर्टाइजिंग और कमर्शियल एडवर्टाइजिंग 248 और 247। सो पहले हम मार्क करते हैं प्रिंट मीडिया की डिफाइन, ये है पेज नंबर 248 पे। 248 पे जो ये फर्स्ट पॉइंट है प्रिंट मीडिया से लेके ETC तक, ये है आपका आंसर नंबर डी का 1। ओके, आंसर नंबर डी के 2 के लिए, कम टू पेज नंबर 247। 247 पे देखिए, जो बिल्कुल पेज के सबसे एंड में जो 1 और 2 दे रखा है, इसमें जो 2 पॉइंट है, आज स्पेशल से लेके बटर तक, ये है आपका डी का 2। ओके, डी के 3 के लिए आइए पेज नंबर 248 पे सोशल एडवर्टाइजिंग लिखा है। सोशल एडवर्टाइजिंग से लेके इसकी थर्ड लाइन में बिहेवियर तक, ये है आपका डी का 3। डी के 4 के लिए अगेन कम टू पेज नंबर 247। 247 पे कमर्शियल एडवर्टाइजिंग लिखा है, कमर्शियल एडवर्टाइजिंग से लेके सर्विस तक, ये है आपका डी का 4। ओके, नाउ वी विल डू द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर, सो प्लीज कम टू पेज नंबर 252। ओके स्टूडेंट्स, सो हमने डी के सारे डिफाइंस मार्क कर लिए हैं। आंसर, अब आते हैं हम आंसर क्वेश्चन आंसर्स क्वेश्चन नंबर ई पे। फर्स्ट है व्हाट इज एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग क्या है। सेकेंड है व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ एन एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग का मेन मकसद क्या है। थर्ड है नेम सम ऑफ द डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट मीडिया अवेलेबल, डिफरेंट एडवर्टाइजिंग मीडियाज जो अवेलेबल है वो लिखिए। फोर्थ है व्हाट इज जागो ग्राहक जागो, हाउ डज इट हेल्प टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ कंज्यूमर। जागो ग्राहक जागो क्या है और ये कैसे कंज्यूमर ग्राहकों के हकों को सुरक्षित रखता है। तो फर्स्ट के आंसर के लिए आइए पेज नंबर 251 पे। इसी पे आपको 251 पे ही 1 भी मिल जाएगा और 251 पे ही हमें 2 भी मिल जाएगा। सो 251 में जो आपका रिकैप दे रखा है, रिकैप का फर्स्ट पॉइंट है हमारा आंसर नंबर ई का 1 और रिकैप का ही सेकंड पॉइंट है हमारा आंसर नंबर ई का 2। ओके, आंसर नंबर ई के 3 का पहले हम क्वेश्चन में से लिखेंगे, द डिफरेंट एडवर्टाइजिंग मीडिया अवेलेबल, इसके आगे हम लिखेंगे आर। उसके बाद इसके आंसर के लिए आइए पेज नंबर 250 पे। 250 पे मीडिया एडवर्टाइजिंग की फोर्थ लाइन में देखिए,
रेडियोस से लेके यहाँ तक, ये हम आंसर नंबर ई के 3 में इंक्लूड कर देंगे. ओके, आंसर नंबर ई का 4 बिल्कुल इसके बराबर में ही है. यहाँ पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की सेकेंड लाइन में जागो से लेके जहाँ पे पैरा एंड हो रहा है राइट्स तक, ये है आंसर नंबर ई का 4. ओके, सो एक्सरसाइज का ए बी सी क्वेश्चन आपको बुक में ही रहने देना है, और डी का 1, 2, 3, 4 और ई का 1, 2, 3, 4. तो डी और ई क्वेश्चन बस आपको आपकी कॉपीज में करना है, बाकी सब आपको बुक में ही रहने देना है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर 7th चैप्टर ऑफ सिविक्स. इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन कंप्लीट योर वर्क एंड रिवाइज ऑल द वर्क विच वी हैव डन टिल नाउ. वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह. अल्लाह हाफिज़.